जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आप लोग ऑफलाइन माध्यम से भर पाएंगे। यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी एंड इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरना है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर मैं आपको आगे की जानकारी कोई भी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि इसके बदले भी बस मैं आपसे लाइक ही मांगता हूं, क्योंकि लाइक से मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार से अच्छे अपडेट लेकर के आता रहूं। तो बेसिकली अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 241 पद निकाले हैं जिसके फॉर्म आप लोग 31 मई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, इस टेबल में पूरी जानकारी दी गई है। फिर इसी प्रकार से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस के लिए 10वीं पास आप देख सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड कीपर पर 12वीं पास, लाइब्रेरी अटेंडेंट पर 12वीं पास, सिक्योरिटी असिस्टेंट पर 12वीं पास, लेबोरेटरी अटेंडेंट पर 12वीं पास, कुक पर 10वीं प्लस आईटीआई। तो बेसिकली 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई डिग्री, ये सब क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए, जो ग्रुप ए में लेवल 10 एंड अबो लेवल की पोस्ट है उन पर कैटेगरी वाइज क्या फीस पे करनी है, एंड जो ग्रुप बी एंड सी में लेवल फर्स्ट से लेकर के 7 तक की पोस्ट है इस पर कैटेगरी वाइज फीस आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अभी आपको यहां पर आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करना है। इसके बाद में नोटिफिकेशन पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप और भी डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट को किस ग्रुप के अंदर रखा है, पे लेवल पर क्या सैलरी आपको दी जा रही है, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या रखी है, एज लिमिट कितनी है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर और भी डिटेल में पोस्ट वाइज इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल है कि इसमें हमें अप्लाई कैसे करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहां से मिलेगा। तो गाइज आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, मैंने यहीं पर हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करना है। अगर आप इसको यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहां पर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है, आप यहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करा लेना है और 5-6 प्रिंट लेकर के आने, ताकि जब आप फॉर्म को भरे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा से नए सिरे से फॉर्म भरे, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होते। तो आपने फॉर्म ले आया, क्योंकि फॉर्म कहीं से आपको खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करके A4 के साइज पर प्रिंट कराना है। अब आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है, अब आपको इसको कैसे भरना है उसकी जानकारी अब यहां से अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आता है परफॉर्मा, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट में क्या भरना है वो आप देख लीजिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2023-2024 और डेट है 29 अप्रैल 2023। तो आपको यहां पर यही चीज लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर के सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट के सामने 29 अप्रैल 2023। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर काफी सारी पोस्ट दी गई है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपर डिवीजन क्लर्क, तो यहां पर जो नाम दिया है सेम नाम आपको यहां पर इसमें लिख देना है। इसके बाद है सीरियल नंबर, आपकी जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उसका सीरियल नंबर क्या है। जैसे कि जो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है इसका सीरियल नंबर 5 है, तो आप यहां पर सीरियल नंबर के सामने 5 लिख देंगे। अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, आप अप्लाई कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर, तो उसका सीरियल नंबर है 10, तो आप यहां पर 10 लिखेंगे। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफिस, अब डिपार्टमेंट ऑफिस में क्या लिखना है ये भी आप समझ लीजिए। ये जो आपकी पोस्ट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर निकाली गई है, जैसे कि ये जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार या इसके नीचे की जितनी भी पोस्ट है ये रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकाली गई है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि कुछ पोस्ट यहां पर किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए निकाली, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, ये जो 13 सीरियल नंबर से पोस्ट शुरू होती है ये
डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो 70 नंबर पर जो पोस्ट शुरू हो रही है ये FTK सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस डिपार्टमेंट या ऑफिस के लिए निकाली गई है। तो बेसिकली जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से ऑफिस के लिए है, जैसे कि अभी मैंने आपको 5 नंबर की पोस्ट का एग्जाम्पल दिया, तो हम यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका ऑफिस है या फिर डिपार्टमेंट है वो है रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वही आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको आपका नाम 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े वर्ड में अपना नाम लिखना है। अब आता है डेट एंड अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिट, जो आपने फी एप्लीकेशन फीस पे की है वो कैसे किया। वैसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि फी आपको पे कहाँ करनी है, तो ये जो बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया गया है इस बैंक अकाउंट के अंदर आपको फीस को पे करना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर दे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फीस को जमा किया है और साथ ही आपने कितने अमाउंट दिया है। जैसे कि डेट लिखी आपने आज की 1 मई या 2 मई 2023 जो भी है जिस डेट में भी आपने फीस को जमा किया है, और उसके बाद में एंड लगा करके आपने लिखा 200, 250 या फिर 500, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस लागू है वो। इसके बाद में आपको बोला कि प्लीज अटैच पेमेंट स्लिप, जो पेमेंट स्लिप आपको मिली होगी उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। देन यहाँ पर आपको यूजर बैंक एंड ब्रांच नेम, यानी कि किस बैंक से आपने और किस ब्रांच से आपने फीस को जमा किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर या फिर आईडी या फिर रेफरल नंबर या फिर यूटीआर नंबर जो भी आपको मिला है पेमेंट करने के बाद में इनमें से, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना डेट डालेंगे किस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है आपका मेन फॉर्म, अब आपको यहां पर अपना जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है इस जगह पर चिपका देना है सेम साइज में। फिर यहां पर आपको जो आपका फीस का यूटीआर या फिर रेफरल नंबर है जो भी आपने ऊपर भी भरा है वही आप यहां पर डालेंगे, किस डेट में आपने फीस को जमा किया वो डेट आप यहां पर लिखेंगे, कितना अमाउंट आपने पे किया है वो आप यहां पर उसी के सामने राइट टिक का निशान लगा देंगे। जो नीचे एप्लीकेशन फी पेड कॉल फॉर इंटरव्यू है ये आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। अब आपको यहां पर नाम अपना फिर से एंटर करना है, आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर एक बॉक्स के अंदर एक ही लेटर लिखना है, आप अपना नाम लिख देंगे। फिर यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर जो जानकारी अभी आपने यहां पर भी भरी है वही एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पर लिखेंगे, और फिर डेट भी यहां पर लिख देंगे 29 अप्रैल 2023। किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया सेम आपको यहां पर अपनी पोस्ट का नाम देना है, किस डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर आपने अप्लाई किया उस ऑफिस का नाम देंगे जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है। फिर आप यहां पर आपके पति का नाम देंगे अगर आपकी शादी हो चुकी है, नहीं तो आपको आपके फादर का नाम देना है। 4 पॉइंट में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, एड्रेस कोरेस्पोंडेंस में, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहां पर पूरा एड्रेस लिख देंगे। एंड परमानेंट एड्रेस के सामने आप अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है सेम है तो जो एड्रेस आपने यहां पर भरा है वही आप यहां पर भर देंगे। पिन के सामने आप अपना पिन लिखेंगे जैसे कि जिस शहर से भी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी पिन कोड है, मोबाइल नंबर आप यहां पर लिख देंगे। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या फिर 12वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देंगे। डेट के सामने डेट जैसे कि 02, मंथ के सामने आपका मंथ जैसे कि 05, एंड यहां पर फिर जो भी ईयर है वो आप लिखेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो यूआर के सामने टिक कीजिएगा, एससी है तो एससी के, बेसिकली जो भी है वो आप यहां पर उसके सामने टिक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप एसएसटी ओबीसी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन की आप जानकारी भर रहे हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10th, तो आपको यहां पर बोर्ड के सामने यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहां पर लिखेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया वो ईयर के सामने आप लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहां पर परसेंटेज के कॉलम में लिख देंगे। सब्जेक्ट में आप यहां पर 10th वाले सेक्शन में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। 12वीं की जानकारी भी आपको सेम तरीके से देनी है, आप यहां पर आपका बोर्ड बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे और परसेंटेज लिखेंगे। साथ ही आपको 12वीं का बताना है कि आपने 12वीं पीसीएम पीसीबी या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स किससे की है वो आप यहां पर लिख देंगे, चाहे तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद में अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि डिग्री की योग्यता मांगी है तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है। फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपका यहां पर पासिंग ईयर देना है, परसेंटेज देनी है और सब्जेक्ट क्या क्या था या फिर डिसिप्लिन क्या था वो आप यहां पर सब्जेक्ट वाले सेक्शन में लिख देंगे। इसके बाद यहां पर बोला है कि स्ट्राइक आउट विच इज नॉट एप्लीकेबल, जो क्वालिफिकेशन आप नहीं भर रहे जो आपके ऊपर लागू नहीं है वो आप कट कर देंगे, उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहां पर डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको यहां पर
कैसे जानकारी भरनी है वर्क एक्सपीरियंस की वो आप देख लीजिएगा। सीरियल नंबर के अंदर आप एक लिखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने जॉब की है वो पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फ्रॉम के नीचे आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे आप वो डेट मंथ ईयर लिखेंगे जब तक आपने जॉब की थी। टोटल पीरियड कितना टोटल पीरियड होता है, जैसे कि 2 साल 1 महीना 10 दिन आप वो पीरियड काउंट कर लेंगे। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरह का काम आप करते थे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने जॉब की है। इसके बाद में अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं तो आप यहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अब यहां पर आते हैं आपके सामने इफ एम्प्लॉयड, अगर आप करंट में एम्प्लॉयड है तो आप यहां पर ये जानकारी भरेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आता है आपके सामने 12 पॉइंट, इफ अपॉइंटेड टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, अगर आप यहां पर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए जॉब को ज्वाइन करने के लिए, आप यहां पर दिन के अंदर बताएंगे, जैसे कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन जो भी आपको चाहिए वक्त ज्वाइनिंग, अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं वो आप यहां पर लिख दीजिएगा, जैसे कि 10 दिन 15 दिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आता है 13 पॉइंट, नेम ऑफ टू रेफरीज, आपके दो जानने वालों के नाम, आप यहां पर नाम उसका जो आपका जानने वाला उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। पीरियड फॉर विच द रेफरी इज नोन टू द कैंडिडेट, यानी कि जो जिसकी जानकारी आपने यहां पर दी है ये आपको कब से जानता है, आप यहां पर लिख सकते हैं बचपन से जानता है या फिर बचपन से जानता है तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आपको यहां पर ईयर में बताना है, जैसे कि फ्रॉम 10 ईयर फ्रॉम 12 ईयर जैसे ये आप लिख सकते हैं जितने ईयर से वो आपको जानता है। इसके बाद में सेकंड रेफरी की जानकारी भी आप यहां पर देंगे, एंड आपको ये भी बोला कि एप्लीकेंट में सेंड टू टेस्टिमोनियल फ्रॉम पर्सन अंडर होम ही सी हैज स्टडीड और वर्क, यानी कि आप जो पर्सन है उससे एक प्रशंसा पत्र भी चाहे तो इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे कि पता चले कि हाँ आपने इनको इनके यहाँ पर पढ़ा है या फिर इनके यहाँ पर वर्क किया है। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर पहले इसमें उस जगह का नाम लिखेंगे जिस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर ये जो जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी आपको नहीं भरनी है, ये ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी, यहाँ पर ये आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, ये जो आपके सामने परफॉर्मा है ये परफॉर्मा उन्हें फिल करना है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये उनको भर करके 10 ड्यूली फिल्ड यानी कि 10 कॉपीज के साथ में भेजना होगा, बट आपको ये नहीं भरना है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको ये भरना है जो कि आपके सामने एक्नॉलेजमेंट है, आपको यहाँ पर इसमें आपका जो नाम है वो लिखना है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वो फिर से लिखना है, डिपार्टमेंट किस ऑफिस के लिए अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट या ऑफिस का नाम देंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट लिखेंगे, आपकी जो ट्रांजेक्शन नंबर है फीस का या आईडी या फिर रेफरल नंबर या फिर यूटीआर नंबर वो लिखेंगे, किस डेट में आपने फीस को जमा किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये डेट और जो सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर है ये आपको खाली छोड़ना है, ये जो ऑफिस है उसके द्वारा भरा जाएगा, आपको सिर्फ इतना भरना है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो गाइज आपने कंप्लीट फॉर्म भर लिया, अब आपको इसको कैसे और कहाँ पर भेजना है वो आप जान लीजिए। जो अभी आप यहाँ पर ये वीडियो में देख सकते हैं ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म को सेंड करना है, आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट इनमें से किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करके सेंड करना है, और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को आपको सेंड करना होगा। 1 एनवलप, 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प अलग से, आधार कार्ड, ओल्ड डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड, जो भी डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो कि जिसकी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो गाइज आपने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इसकी जान ली है, और ध्यान रहे कि ये फॉर्म आपको 31 मई 2023 से पहले पहुँच जाना चाहिए। तो ये थी जामिया मिलिया इस्लामिया नॉन टीचिंग वेरियस भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।